तो आज बनने वाली है भुने हुए टमाटरों की चटनी। और ये चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें टमाटरों को भून लेना है। अगर आपके घर में चूल्हा हो है अगर आप चूल्हा जलाते हो तब तो टमाटर भूनना बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन अगर चूल्हा नहीं जलाते तो हम इस तरीके से गैस पर भी टमाटर भून सकते हैं। बस धीमी आंच पर इन्हें घुमाते जाइए, उलटते पलटते रहिए और आपके टमाटर भून जाएंगे। और जब भून जाए टमाटर इन्हें निकाल लीजिए। बस थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, मैंने ना वीडियो की स्पीड ज़्यादा रखी है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। और इस तरीके से सारे के सारे टमाटर मैंने भून लिए हैं और साथ ही जो हमें बाकी चीज़ें डालनी है जैसे लहसुन है, हरी मिर्च है, वो भी इसी तरीके से भूननी है। आपको लग रहा होगा ना कि एकदम से ब्लैक ब्लैक से हो गए, जल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं जले होते हैं ये, सिर्फ बाहर से दिखते हैं, अंदर से ये पक भी चुके होते हैं और इनका स्वाद है वो भी बढ़ चुका होता है। तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी भूनने के लिए और इन्हें अच्छे से घुमा घुमा कर पलट पलट कर भूनना है। और इसके बाद ना मैंने फिर से दो लहसुन और थोड़ी सी लाल मिर्चें भून ली, क्योंकि मम्मी ने कहा कि इतने ज़्यादा टमाटर के लिए एक लहसुन काफ़ी नहीं पड़ेगा, तो थोड़ी लाल मिर्चें और दो लहसुन मैंने भून लिए। और उसके बाद क्या करना है, जो आपको दिख रहे थे ना काले काले से छिलके, उन सबको निकाल देना है। वैसे ही लहसुन के छिलके भी निकालने हैं, टमाटर के भी निकालने हैं और हरी मिर्चें के भी, मिर्चों के भी हल्के हल्के छिलके निकाल देने हैं। तो लीजिए लहसुन पक चुके हैं और टेस्ट भी बढ़ चुका है भुनने के बाद, तो मैंने हरी मिर्चों के टुकड़े भी निकाल दिए, मतलब भुने हुए छिलके जो बाहर के थे वो वाले। और अब मैं थोड़ी सी डालने वाली हूँ इसमें हरा धनिया और पुदीना। उसके बाद जो चटनी पीसने से पहले इनकी स्टेम वाली साइड होती है ना उसे निकाल देना है, तो वो निकाल दिया। और मैंने दो तरीक़ों से चटनी पीस रही हूँ, मिक्सी के जार में टमाटर और जो चॉपर होता है ना उसमें मैं लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना वो पीस रही हूँ ताकि एकदम से चटनी एकदम पानी जैसे ना बन जाए, थोड़ी दरदरी सी रहे। और मिक्स कर लिया इसे अच्छे से और अब डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार। तो बस हो चुकी है चटनी हमारी खाने के लिए तैयार। और इस चटनी के आगे ना बारिश बाकी जितनी भी चटनी है वो सारी फीकी ही लगेंगी आपको। और यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।